सीरियल सावी की सवारी की ये कहानी देखकर ना आपको पुराने जमाने के फिल्मी सीन्स याद आ जाएंगे, जहां फॉर दैट मैटर मुझे तो जोधा अकबर का वो सीन याद है कि जहां शहंशाह अकबर को तराजू में बिठाया जाता है और दूसरी तरफ उन्हीं के वजन जितना इक्विवेलेंट सोना चांदी भर दिया जाता है और फिर वो आवाम में बंटवा दिया जाता है। बहरहाल अकबर नहीं आ रहे हैं, लेकिन दादी जी को बिठा दिया गया है तराजू में और उनके इक्विवेलेंट वेट के इक्विवेलेंट खूब सारा पैसा भी धन संपत्ति भी रखी जा रही है। लेकिन कमाल तो किया है सावी की अंगूठी ने। आओ जरा झूला झूला खेलते हैं। कभी सोनम झूले पे बैठेगी तो कभी ही नित्यम बैठेगा तो कभी ही दादाजी भी। आओ आओ, इस खेल में बड़ा मजा आ रहा है। अब पर्दे के पीछे की मस्ती इन सितारों की कुछ ऐसी ही है। अब बता देते हैं आपको, दरअसल यहाँ पर तुलादान होने वाला है। एक तरफ दादी होगी तो दूसरी तरफ घर में जितना भी सोना चांदी हीरे जवाहरात रखे होंगे वो सब होंगे। दादी के वजन के हिसाब से चढ़ावा होगा। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो घर का सब कुछ चढ़ा दिया गया लेकिन फिर भी दादी के वजन के हिसाब से यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। सभी टेंशन में आ गए कि अब क्या करें। इतने में सावी ने अपनी अंगूठी भी दान कर दी और देखिए कैसे पलड़ा भारी हो गया। सभी बहुत खुश हुए। तुला दान की जो परंपरा है, जो हम क्रिया कर रहे हैं, उसमें जो भी सोना हीरे जवाहरात पैसे ये सारे उज्जैन के सारे वृद्धाश्रमों में जाएगी। जो भी सारे हैं बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी मदद करने के लिए, तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ये क्रिया कर रहे हैं। हाँ, मैं बहुत परेशान था कि यार इतनी सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी कैश सब कुछ चढ़ा चुके हैं, लेकिन जो यूडी हैं उनके वेट के हिसाब से अभी तक चढ़ नहीं पाया। तो मैं भी एक सोच में पड़ गया था। उतने में सावी पीछे से आती हैं, वो अपनी अंगूठी उतारती हैं, उसमें रखती हैं और जो कांटा है वो उड़ जाता है। तो फिर अच्छा लगा कि यार चलो ठीक है, फाइनली हम जिस नियत से कर रहे थे वो काम आ रही है। और ये जो जितना भी पैसा जितना भी धन है ये उन लोगों के काम आएगा जिनके घर में खाने के लिए पैसे नहीं हैं, जो बच्चे हैं वो अनाथ आश्रम में हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं। तो एक अच्छी सोच के साथ हम लोग दान कर रहे हैं। अब घर की बहू का महत्व क्या होता है, शायद यही बताना चाहते हैं इसके जरिए। सावी की सासू माँ जो सावी से नाराज चल रही है इन दिनों, वो भी अब कुछ सोचेगी अपनी लक्ष्मी जैसी बहू के लिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।